ओ है व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे भाई। शाहरुख खान पठान एंड भाई अभी जॉन इब्राहिम का पोस्टर निकल के आया है भाई। लुक एट हिज पोस्टर, इट्स अमेजिंग यार। यार ये पोस्टर देखो आप लोग। सबसे पहले तो जॉन इब्राहिम जो आंख दिख रही है आजू बाजू एंड हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुए, जॉन इब्राहिम का वो पैंट देखो, उसके बाद वो टी शर्ट यहाँ से फटा हुआ एंड वो उसका जो हेयर स्टाइल भाई पूरा आर्मी टाइप लग रहा है बंदा। इट्स अमेजिंग यार, क्या पोस्टर लग रहा है एंड भाई क्या एक्शन होने वाला है इस मूवी के अंदर। आप इस पोस्टर से ही देख सकते हो यार, अमेजिंग यार। यार इसमें जितना भी स्टार कास्ट है ना, वो शाहरुख खान हो, वो जॉन इब्राहिम हो, दीपिका हो, भाई जितनी भी स्टार कास्ट है ना, भयंकर एक्शन करते हुए दिखेंगे ये लोग। एंड जॉन इब्राहिम का ये पोस्टर भाई जिस तरीके से बनाया है, जिस तरीके से डिजाइन किया है, जिस तरीके से निकल के आया है, देख के काफी ज्यादा मजा आया। एंड भाई देखो यार, जबरदस्त पोस्टर है जो हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ है। आप देखो चारों तरफ आंख फैली हुई है एंड जॉन इब्राहिम का वो लुक डेंजरस एंड फेस देखो उसका यार, मस्त लग रहा है, एकदम जबरदस्त लग रहा है पोस्टर। एंड सबसे अच्छी बात, ये मूवी हिंदी में रिलीज होगा, तमिल में भी रिलीज होगा, तेलुगु में भी रिलीज होगा। इट्स अ फैंटास्टिक यार। शाहरुख खान साहब आपका भी एक लुक चाहिए एकदम भड़बड़ता वाला, एकदम जबरदस्त वाला। एंड ऐसा पोस्टर नहीं चाहिए, ऐसा मतलब थोड़ा सा टीजर चाहिए, कब देखने को मिलेगा प्लीज जल्दी से रिलीज करो। बिकॉज अब तो कितना टाइम बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 महीना एंड जनवरी, चलो और 25 दिन, 5 महीने के करीब टाइम बचा है इसको। एंड इट्स अ फैंटास्टिक यार। शाहरुख खान साहब का भी कोई यार, मैं तो चाहता हूँ यार एटलीस्ट कोई टीजर निकल के आ जाए जल्दी से। देखते हैं कब, मुझे लगता है कि दिवाली टारगेट करेंगे लोग टीजर के लिए, बट देखते हैं क्या होता है। एनीवेज ये पोस्टर यार आपको कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड यार एक बात बोलना चाहता हूँ पठान के लिए यार, इस मूवी का भी एक्साइटमेंट है ना भाई, बाप लेवल का है, बाप लेवल का। एंड ये मूवी भी जब आएगा ना, डेफिनेटली यार पब्लिक भाग भाग के इस मूवी को देखने के लिए जाने वाली है। एंड आई होप के भाई ये मूवी मचान मचाएगी, क्योंकि भाई हेटर्स को तो भाई गंदा जवाब दिया है। आप देखो यार अभी 8-10 दिन पहले कंट्रोवर्सी हुआ था जहां पर लोग बोल रहे थे पठान को बाइकॉट करने का, बट जो पठान के फैंस है, जो शाहरुख खान के फैंस है, जिस तरीके से वो लोग आए, जिस तरीके से वो लोगों ने ट्रेन चलाया पठान फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड बाइकॉट गेम तेरी मां की चूड़ियां, ये वाला जो एक ट्रेन था, ये देख के काफी अच्छा लगा कि भाई शाहरुख खान के फैंस एक्साइटेड है इस मूवी के लिए। एंड भाई फैन फॉलोइंग इस मूवी की जबरदस्त है, इस मूवी का लोग बहुत टाइम से वेट कर, क्योंकि बहुत टाइम बाद शाहरुख खान साहब आ रहे हैं, क्योंकि यार पठान से बहुत ज्यादा उम्मीद है। बाकी दीपिका का जो मेरे को फर्स्ट लुक देखने को मिला था, वो भी देख के एक बात कंफर्म हो गई थी, भाई दीपिका भी इसमें जबरदस्त तरीके एक्शन करेगी। शाहरुख खान साहब तो है सामने, जॉन इब्राहिम, अच्छा जॉन इब्राहिम बहुत टाइम के बाद दिखेंगे कोई अपन को है ना भयंकर लुक में। एंड ऐसे भाई अवतार में जिसको देखने में मजा है, क्योंकि मेरे को एक विलन रिटर्न याद आता है, इतना कुछ खास नहीं था। सत्यमेव जयते 2 इतना कुछ खास नहीं था, मतलब जॉन इब्राहिम की भी जितनी भी मूवी आई है ना, मतलब यार ऐसा लगा है कि भाई जॉन इब्राहिम अपने टैलेंट को ना वेस्ट कर रहे हैं, बट इसको बोलते हैं सही जगह अपने टैलेंट को इन्वेस्ट करना, क्योंकि सामने शाहरुख खान साहब हो, पठान जैसा मूवी हो, दोनों आमने सामने हो, तो मजा ही कितना आएगा यार, आप लोग सोचो। बाकी आपको ये पोस्टर कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू।